नागपुर और विदर्भ में कौशल विकास और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से गर्ल्स ग्रिड फाउंडेशन और युवा फाउंडेशन कार्यरत है। गर्ल्स ग्रिड फाउंडेशन पिछले 4 सालों से महाविद्यालय विद्यार्थियों के कौशल विकास क्षेत्र तथा युवा फाउंडेशन पिछले 5 सालों से नागपुर और विदर्भ के युवकों के रोजगार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 2023 तक 10,000 से अधिक युवकों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास से युवा घर से या ऑनलाइन व्यवसाय अथवा नौकरी पाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कोविड-19 के प्रादुर्भाव और उसके बाद उद्योग क्षेत्र में आए बदलाव के बाद इस पृष्ठभूमि पर काम करना आवश्यक है। इन विषयों की चर्चा के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन प्रेस क्लब सिविल लाइन्स में किया गया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि युवा फाउंडेशन और गर्ल्स की फाउंडेशन का MOU साइनिंग सेरेमनी है। युवा फाउंडेशन ये प्लेसमेंट्स के लिए कई सालों से काम कर रहा है, कई सालों का इंडस्ट्रीज का टाइप है, बट हमको ये फील हुआ है आफ्टर 2-3-4-5 साल के बाद कि स्किल डेवलपमेंट की कमी आ रही है, तो राइट स्किलिंग हमको उसमें देना है। वो राइट स्किलिंग देख के हम इसको प्लेसमेंट्स के प्रति एक 30-40% का 100% प्लेसमेंट्स में बढ़ोतरी होगी। तो ये नागपुर के सारे सेगमेंट्स में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक छोटे छोटे कस्बे में जाकर कि वहाँ पे उनको प्रॉपर एक स्किल डेवलपमेंट मिले और उससे वो फाइनल प्लेसमेंट्स में हेल्प मिलेगी। युवा फाउंडेशन के माध्यम से मध्य भारत के 15,000 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए तथा गर्ल्स ग्रेड फाउंडेशन द्वारा झोपड़पट्टी के युवाओं से लेकर प्रोफेशनल्स के लिए अनेक उपक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका प्रभाव 5 लाख से अधिक उम्मीदवारों पर पड़ा। पत्रकार वार्ता में आशीष खोले, कुणाल पडोले, अनुपा मानेश्वर, सचिन चौधरी, मोनिका उपाध्याय, मोहित वारू आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।